ये कुछ को न मान का अक्षरों के अक्षरों से आ
सविता पे गौर फरमाइए, हम 6 महीने से लगातार पढ़ाई करते जा रहे हैं और हमें एक चेंज की जरूरत थी और आज हमें अपने आप को एंजॉय करने का एक मौका मिला है। मैंने 4 घंटों में हमें आज के दिन कैसा जीना है वो बताया है कि महफिल जम जाएगी इस शाम इस तरह, कि महफिल जम जाएगी इस शाम इस तरह, जाम टकराए और पहना हो महफिल जम जाए इस शाम इस तरह, जाम टकराए और उसके ना विराम हो कि झूम उठे आज हम आप कुछ इस तरह। अगली पंक्ति पर एक एक सदन में बैठे बैठे एक एक अनुभव की ताली चाहता हूँ कि झूम उठे आज हम आप कुछ इस तरह, कि झूम उठे आज हम आप कुछ इस तरह, जैसे जैसे सभी का हाथों में पैगाम हो, जिसमें संतान और माँ का रिश्ता समा जाए, जिसमें भक्त और भगवान का रिश्ता समा जाए, में अंबर इस धरती से लेकर आसमान समा जाए। तो मैंने सोचा यार एकदम से मुझे जवाब देना भारी पड़ गया, तो फिर चलो ठीक है तो मुझे बाद में सोच के बताना। तो ठीक है, उस दिन रात को दोस्तों में 2 बजे तक नहीं सोया। उस दिन मुझे ऋषिकेश सर के चैलेंजर से भी बहुत ज्यादा टफ लगने लग गया। तो देखिए मैंने वो शब्द ढाई अक्षर का वो शब्द था प्रेम, तथा मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मैंने उस शब्द को ऐसे डिफाइन करने की कोशिश की है। अगर यहाँ सदन में बैठा हर एक व्यक्ति दिल रखता है तो मेरी उन 4 पंक्तियों पर मैंने प्रेम को डिफाइन करने की कोशिश की है। अगर आप भी वही निष्कर्ष निकालते हैं तो मुझे तालियों से दाद दीजिएगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी तकरा दीवाना था कभी मेरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कि कोई दीवान कहता है कोई पागल समझता है, कि कोई दीवान कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। अगली पंक्ति पर बाबा चाहूंगा कि कोई दीवान कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, तो मुझसे दूर कैसी है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दोस्तों। जैसा 26 जनवरी है मैं उन शहीदों की प्रार्थना आपके मन में रखना चाहता हूँ जो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, और यही भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, अगर आप सब सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो उन 4 पंक्तियों में तहे दिल से दाद चाहूंगा। और बॉम्बे में शहीद हुए, अभी बॉम्बे में विस्फोट जो कर रहे हैं, जैसे असम में पड़े हुए जो बॉम्बे के लिए शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। ईश्वर दौलत न मता कर ना मौला, बस इतना
जाना चाहिए कि शमए वतन की नौ पर जब कुर्बान पतंगा हो
करेगा।